हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वैसे इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर मैप। इससे पहले हम लीनियर मैप क्या होता है ये देख चुके हैं और साथ में ये कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज को हम पढ़ चुके हैं। तो लेट पहले हम लीनियर मैप की प्रॉपर्टीज उनको रिकॉल कर रहे हैं। लेट वी एंड डब्ल्यू बी ए वैक्टर स्पेस एंड टी वी टू डब्ल्यू बी ए लीनियर मैप। देन बाई डेफिनेशन ऑफ लीनियर मैप डेफिनेशन से टी वी वी प्लस डब्ल्यू को टी वी प्लस टी यू लिखा जा सकता है एंड टी एल्फा वी को हम लिख सकते हैं एल्फा टी वी। फॉर एवरी यू वी बिलोंग्स टू वी एंड एल्फा बिलोंग्स टू आर, लेट बीटा बीटा या वी बोले वी वन वी टू डॉट डॉट वी एन इज द बेसिस ऑफ वी एंड लेट गामा बराबर डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डॉट डॉट डब्ल्यू एम इज बी अ बेसिस ऑफ डब्ल्यू। देन फॉर एनी बी बिलोंग्स टू बी, यानी क्योंकि जो बी जो है वो इसका है तो इसके हर वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा लिखा जा सकता है इन वेक्टर से, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिस है तो बेसिस की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ पे सी वन सी टू डॉट डॉट सी एन जो है वो कोऑर्डिनेट्स होंगे ऑफ बी के विद रेस्पेक्ट टू बी। ये हो गया हमारे पास। अब टी वी, अगर टी वी की बात करें तो टी वी बराबर क्या आ गया, सी वन टी वन टी वी वन प्लस सी टू टी वी टू प्लस डॉट डॉट सी एन टी वी वन, बेसिकली टी वी बराबर ये आ गया। नाउ ईच वेक्टर टी वी जे, यानी कि ये बेसिकली वेक्टर है टी वी जे, जो वेक्टर है वो डब्ल्यू का वेक्टर है। अब ये जो डब्ल्यू का वेक्टर है तो ये बेसिकली इस डब्ल्यू का वेक्टर और ये जो है बेसिक है हमारे पास डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री। तो टी अगर वी जे की बात करें हम तो वो हमारे पास किसी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा लिखा जा सकता है कि इन्होंने लिख लिया ए वन जे डब्ल्यू वन प्लस ए टू जे डब्ल्यू टू प्लस डॉट डॉट ए एन जे एम जे डब्ल्यू जे, तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है हर भी हर वेक्टर को। अब हर वेक्टर को लिखा जा सकता है तो इसका मतलब टी वी को भी लिखा जा सकता है। तो टी वी को अगर हम लिखना चाहें तो टी वी को किस तरह लिखेंगे हम, टी वी को लिखेंगे हम पहले तो वन के लिए, सॉरी यहाँ पे पहले वन के लिए यानी कि जे बराबर वन के लिए। तो जे बराबर जब वन के लिए हो जाएगा तो उसके बाद जे बराबर टू के लिए, तो इसको जनरल फॉर्म में ओपन फॉर्म में तो हम इस तरह से लिखेंगे कि ए वन वन पहले वन के लिए लिख रहे हैं हम डब्ल्यू वन प्लस ए वन टू डब्ल्यू टू प्लस डॉट डॉट अब बेसिकली ए वन वन सॉरी ए वन वन ए टू वन और यहाँ पे ए एम वन डब्ल्यू जे प्लस इस तरह से सेकंड वाले को भी लिख सकते हैं। सेकंड वाले को क्या लिखेंगे हम, सेकंड वाले को लिखेंगे हम ए वन टू डब्ल्यू वन प्लस ए टू टू डब्ल्यू टू प्लस डॉट डॉट ए एम टू डब्ल्यू जे, तो इस तरह से सभी को लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे ए वन वन यहाँ से कॉमन आ जाएगा ये, तो ये हमारे पास इसके फॉर्म में और लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं टी वी बराबर समेशन ऑफ मतलब ए वन वन प्लस ए वन टू प्लस डॉट डॉट यहाँ से और ये ए वन एन तक कॉमन हो जाएगा और बाहर डब्ल्यू वन प्लस इसी तरह से ए टू वन ए टू टू ए टू वन प्लस ए टू टू प्लस डॉट डॉट ए टू एन एंड डब्ल्यू टू, इसी तरह से हर इसके लिए हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से इन्होंने यहाँ पे इसको समेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। इस समेशन की फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो समेशन की फॉर्म में इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि टी बी जे जो है वो सिंपली यही जो प्रीवियस थ्योरी थी कि टी बी जे हर उसको इसके कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो टी बी को इस तरह से लिखा जा सकता है। तो जनरल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो टी बी बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर वन टू एम पहले जे बराबर वन टू एन और सी जे ए आई जे और डब्ल्यू आई। अब जैसे जे पहले वन के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे वन फिर जी जे की वैल्यू वन टू एम, तो इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ए को हम किस तरह से लिख सकते हैं, बेसिकली ए को अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ पे टी बी गामा देखें तो ये हमारे पास ए बी बीटा, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको लिख सकते हैं ए को टी बी वन गामा टी बी टू गामा, बेसिकली गामा क्या है जो कि बेसिस है फॉर डब्ल्यू, बेसिस फॉर डब्ल्यू यानी कि जो कि जिसमें हम डिनोट डिफाइन कर रहे थे। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से और क्लियर समझ लेते हैं।
ये एग्जांपल है फ्रेंड्स हमारे पास, कंसीडर द वेक्टर स्पेस वी बराबर पी टू टी इज द पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री नो मोर देन टू एंड वी बराबर ये है और टी वी टी जो है वो डिफाइन है इस तरह से 4 वी डैश टी माइनस 2 टी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चेक करना है और इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड टू वेरीफाई द टी लीनियर मैपिंग और बी बराबर जो है ये हमारे पास वी वन वी टू वी थ्री इस तरह से टी माइनस वन 3 प्लस 2 टी टी स्क्वायर प्लस वन। तो हमारे पास पहले चेक करेंगे वेरीफाई दैट बी इज द बेसिस ऑफ बी। तो ये इजीली चेक कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में भी हम चेक कर चुके हैं उसको। सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू प्लस सी थ्री वी थ्री इक्वल टू हमारे पास 0 इक्वल पुट करेंगे और हम देखेंगे कि सी वन इसका ओनली वन एक सॉल्यूशन आएगा जो कि सी वन बराबर सी टू बराबर सी थ्री ट्रेवल सॉल्यूशन अगर आए तो वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। उसके बाद हम चेक करेंगे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वी टी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वी टी निकालने के लिए सिंपली इसी टर्म को 0 की जगह इक्वल टू वी टी के इक्वल में लिख देंगे और जहाँ पे सी वन सी टू सी थ्री की वैल्यू जो आएगी वो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे। उसके बाद है फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी इन द बेसिस बी। तो हमें ये इंपॉर्टेंट है जो कि चेक करना है कि किस तरह से हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी निकाल सकते हैं इन द बेसिस बी में। तो ये हमारे पास सी पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे है। तो बेसिकली एक क्या होता है जो हमने पढ़ा था टी वी वन बी टी वी टू बी एंड टी वी थ्री बी। तो बेसिकली पहले वी वन निकालना है तो वी वन जो जो कि हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन डिफाइन था किस तरह से डिफाइन था। ये अगर देखें तो वी वन अगर निकालना चाहे तो मैं वी वन के लिए निकाल के बता देता हूँ। वी वन अगर हम निकालना चाहेंगे तो यहाँ से टी वी वन बराबर बेसिकली यहाँ पे वी वन डैश की वैल्यू और उसके बाद माइनस टू वी टू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टी वी वन यानी वी वन इसके लिए वी टू इसके लिए और वी थ्री इसके लिए। तो इस तरह इनको हम इजीली निकाल सकते हैं और निकालने पे हमारे पास ये आ जाएगा। जब ये आ चुके हैं हमारे पास टी वी वन टी वी टू टी वी थ्री आ चुके हैं हमारे पास। तो ये आने के बाद अब हमारा काम जो होता है वो होता है हमारे पास टी वी वन बीटा ये हमें निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बीटा की फॉर्म दी हुई थी बीटा बराबर क्या दिया हुआ था वो चीजें लगेंगे यानी वी वन वी टू वी थ्री वी वन वी टू वी थ्री वी वन वी टू वी थ्री बेसिकली क्या थे हमारे पास यहाँ पे जाते हैं हम। तो वी वन वी टू वी थ्री ये है हमारे पास वी वन वी टू वी थ्री। तो यहाँ से ये हो जाएगा सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू प्लस सी थ्री वी थ्री इक्वल टू टी वी वन। टी वी वन यानी कि जब हम इसमें वी वन की जगह पुट करेंगे तो वहां से फिर सी वन सी टू एंड सी थ्री की वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे और सी थ्री सी वन सी टू सी थ्री की वैल्यू जो आएंगी वो इस तरह से आएंगे ये आ जाएंगे हमारे पास। इस तरह से वी टू के लिए करेंगे तो वी टू के लिए भी सी वन सी टू सी थ्री के आ जाएंगे यहाँ से वी थ्री के लिए। अब इनको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो ये इसको फर्स्ट कॉलम यहाँ बना दिया इसका सेकंड कॉलम इसका और थर्ड कॉलम इसका। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हम आगे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ बेसिस।